होम हेलो टू ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथेटिक मैथ्स एटा दिस इज़ विनय पांडे हिर गगेन ये लर्नर्स लेक्चर टू थाउजेंड एटीन यू के पी एस सी लेक्चरर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन uh, के सोल्यूशन के दो वीडियोज़ मैं पहले ही बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैं दे दूँगा आप उनसे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं आज जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव से हंड्रेड तक के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एनालिसिस से आए हुए क्वेश्चंस हैं एन तो लेक्चरर यू के उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट एग्जाम हुआ था उसके ये क्वेश्चंस हैं पहला क्वेश्चन आप देखिए इफ़ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमिल ऑफ डिग्री एन इन एक्स देन विच इज़ करेक्ट एफिक्स एक पॉलिनोमिल है एफ की डिग्री आपको दी हुई है एफिक्स की डिग्री कितनी है वो है एन और ये फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात कर रहा है फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात करें अगर हम तो डेल एफ़ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ़ एक्स प्लस एच माइनस एफ़ एक्स जहाँ एच उसका एक डिफरेंस होता है फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो है राइट साइड right से हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू से उस प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोला जाता है ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स ऐसे बैकवर्ड डिफरेंस भी होता है जिसमें हम बैक साइड से डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें आ, एक थ्योरम होती है कि अगर आप किसी भी पोलिन की डिग्री के अबाउट जितनी उसकी डिग्री है उतना उतनी बार उसका फॉरवर्ड डिफरेंस अगर निकालें तो उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है और जैसे ही हम किसी भी पोलिन की डिग्री से ज़्यादा जैसे यहाँ पर एफ की डिग्री कितनी है एन है और इसको हम इसकी डिग्री से एक ज़्यादा है और दो ज़्यादा कितनी भी इसकी डिग्री से ज़्यादा बार इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है तो आप देखिए डेल एन एफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी कांस्टेंट कोई नंबर आएगा डेल एन प्लस वन एफ एक्स एफ एक्स की डिग्री एन है और उससे ज़्यादा बार उसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो नाइन्टी फाइव का जो सोल्यूशन है जो आंसर है वो क्या है ऑप्शन बी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन ये आ, इस पूरे फंक्शन को ऑपरेट करके इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो पहले हम डेल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालते हैं वन प्लस डेल इक्वल्स टू होता है ई और ई e को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर ई को अगर हम किसी भी फंक्शन से ऑपरेट करते हैं तो वो डिस्प्लेस हो जाता है तो यहाँ से डेल की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा ई माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन ई इंटू ई ई की पावर एक्स और ई माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई अपॉन ई इंटू ई की पावर कितनी हो गई एक्स अब ई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये ई e बन जाएगा ये ई e की पावर माइनस वन बन जाएगा और ये माइनस टू ई की पावर एक्स ई e को अगर हम ई e की पावर एक्स से ऑपरेट करेंगे तो ई एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच डिस्प्लेस हो जाएगा फंक्शन तो यहाँ पे e की पावर x को अगर हम इससे ई से ऑपरेट e करेंगे तो जाएगा e की पावर x प्लस एच ई e की नेगेटिव पावर से ऑपरेट करेंगे तो एक्स माइनस एच हो जाता है और इंटू टू की पावर एक्स ई की पावर एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है तो ई e की पावर एच प्लस ई की पावर माइनस एच माइनस टू ई की पावर माइनस एच को अगर हम अपॉन में लेके जाएं तो प्लस हो जाएगा और एलसीएम भी ले लेते हैं तो ई e की पावर टू एच प्लस वन माइनस टू ई की पावर एच अपॉन ई की पावर एच हो जाएगा ऐसे ही हम अब सेकेंड टर्म जो है इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालते हैं ई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर ई की पावर एक्स सेकेंड टर्म की बात करें तो ई e की पावर एक्स को ई e से ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा ई e की पावर एक्स प्लस एच और डेल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी देखा था हमने ई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ई इसको ई e की पावर एक्स से ऑपरेट करेंगे तो ई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्या बनेगा ई e की पावर एक्स प्लस टू एच जितनी पावर है एक्स में उतना एच के साथ नंबर ऐड हो जाएगा इंटू ई वन को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स और माइनस टू ई इंटू ई की पावर एक्स क्या बनेगा ई की पावर एक्स प्लस एच तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच अपॉन ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है तो ई e की पावर टू एच माइनस ई की पावर प्लस ई की पावर अच्छा ई e की पावर एक्स कॉमन लिया तो यहाँ वन बचेगा और माइनस ई e की पावर टू ई की पावर एच बचेगा तो ई की पावर एक्स से ये ई की पावर एक्स कैंसिल हो गया तो ई की पावर एच बचेगा अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको निकालना है क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मतलब इनके राइट right साइड का मल्टीप्लिकेशन निकालना है और राइट right साइड का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए आप देखिए ई की पावर एच से ये ई की पावर एच कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या ई की पावर एक्स सिर्फ ई की पावर एक्स बच रहा है बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ई e की पावर एक्स जो आपका फर्स्ट ए ऑप्शन है वो आपका नाइन्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन की ओर नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन सॉरी नाइन्टी क्वेश्चन की ओर नाइनटी क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस का क्वेश्चन है एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे ये हो गई y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है जीरो वन टू थ्री फोर इक्वल इंटरवल्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है वन थ्री नाइन मिसिंग जो वैल्यू निकालनी है उसको x मान लेते हैं और एट्टी वन देखिये ये न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला का जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला होता है उसके उस चैप्टर का ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो डेल वाई फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है अगली वैल्यू से पिछली वैल्यू को माइनस करना है. तो थ्री माइनस वन टू नाइन माइनस थ्री सिक्स एक्स माइनस नाइन और एट्टी वन माइनस एक्स फिर डेल स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा फोर इससे इसको माइनस करेंगे तो एक्स माइनस फिफ्टीन और ये नाइन्टी माइनस टू एक्स डेल क्यूब वाई अगर हम निकालें तो एक्स माइनस नाइन्टीन और वन ज़ीरो फाइव माइनस थ्री एक्स और फोर्थ डिफ्रेंस अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फोर माइनस फोर एक्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इक्वल इंटरवल्स का कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला अगर आपको मिलता है तो इसमें आपको फॉरवर्ड डिफरेंस तब तक निकालना है जब तक आपको लास्ट वैल्यू ना मिले जैसे ही लास्ट वैल्यू मिलती है उसको इक्वल टू जीरो रखो आप और यहाँ से एक्स निकालोगे तो वन ट्वेंटी फोर अपॉन फोर थर्टी वन आ जाएगा तो ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो एक्स निकालना था उसका आंसर हो गया तो यानी कि थर्टी वन बी इसका ऑप्शन हो जाएगा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें आपको टेबल बना करके सॉल्यूशन निकाल लेना है क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया बढ़ते हैं नाइन्टी एथ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपोलेशन फॉर्मुला कैन बी यूज फॉर इक्वल एंड अनईक्वल इंटरवल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये इक्वल और अनिकवल इंटरवल के लिए लेग्रांजस फॉर्मूला यूज होता है और न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला अगर ये इसकी फॉर्मूले की बात करें तो ये सिर्फ इक्वल इंटरवल्स के लिए ही यूज होता है तो लेग्रांज फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो इक्वल और अनईक्वल इंटरवल्स दोनों के लिए यूज होता है ठीक है नाइन्टी नाइन क्वेश्चन नंबर इसमें भी पहले हमको आ, ये जो टेबल दी है इसको बना लेते हैं जीरो वन टू थ्री और एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है वन टू वन एंड टेन फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं इसमें बोल रहा है कि एक एक्स कोई एक्स की ये चार वैल्यूज़ दी हैं और कोई फंक्शन रहा होगा उस फंक्शन में अगर आप ये वैल्यूज़ रख रहे हैं तो आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं तो बोल रहा है कि वो फंक्शन क्या होगा उस फंक्शन की वैल्यू हमको बतानी है तो पहले फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वन हो गया ये माइनस वन हो गया ये नाइन हो गया डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना हो गया इसको वाई भी कह सकते हैं हम इसको डेल वाई भी कह सकते हैं इसको डेल स्क्वायर वाई भी कह सकते हैं ये माइनस टू हो गया ये टेन हो गया और डेल क्यूब वाई कितना हो गया ये हो गया आपका ट्वेल्व तो अब हम न्यूटन का न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉरवर्ड फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स इसका फॉर्मूला है वाई नॉट यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट अपॉन टू फैक्टोरियल और प्लस u u माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई नॉट हालांकि इससे आगे के भी टर्म्स इसमें आते हैं क्योंकि यहां पे हम थर्ड डिफरेंस तक ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं हमको वैल्यूज़ मिल रही है तो आगे का फॉर्मूला ये एक्सटेंड नहीं होगा और यहां पे u की बात करें तो ये होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच अब ये x नॉट क्या है x की सबसे पहली वैल्यू ये x1 हो गया ये x2 हो गया इस तरीके से ये वैल्यूज़ हैं तो अगर हम बात करें x माइनस एक्स नॉट एक्स नॉट कितना है जीरो अपॉन h का मतलब इनके x की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो कितना है इक्वल इंटरवल्स का क्वेश्चन है तो u की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y नॉट y नॉट का मतलब y की x नॉट रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है वन प्लस x डेल वाई नॉट कितना है वन फिर x x माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट कितना है माइनस टू और ऐसे ही एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू गई सिक्स इंटू डेल क्यूब वाई नॉट कितना है ट्वेल्व क्योंकि आगे की वैल्यूज़ नहीं है जैसे पहले मैंने आपसे बोला तो यही आपका इतने टर्म्स इसमें आएंगे अब इसको सिंप्लीफाई आपको कर लेना है और सिंप्लीफाई करके आपको पॉलिनोमल मिल जाएगा जो पॉलिनोमल ये पूछ रहा है क्वेश्चन में तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बार बार ये क्वेश्चन आते हैं लेक्चरर के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं ध्यान साहब इनको देखिए वन प्लस एक्स ये टू से कैंसिल हो गया माइनस वन तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया तो टू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू तो वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स तो टू एक्स क्यूब एक्स प्लस एक्स प्लस फोर प्लस सिक्स एक्स सॉरी पहले एक्स स्क्वायर वाले तो लिखते हैं माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इसमें आप देखिए कोई ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहा है टू एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन डी ऑप्शन ये प्लस है डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा एक तरीका ये भी है कि आप एक्स की वैल्यू जीरो वन टू थ्री रख करके हर एक पॉलिनोम में रख के चेक करें कि आपका आंसर किस पॉलिनोमल से मैच कर रहा है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि उसमें आपको बार बार ये सारी वैल्यूज चारों फंक्शन में रखनी पड़ेंगी तो ये इसका पूरा मैथमेटिकल तरीका है जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हंड्रेड क्वेश्चन जो है वो है न्यूटन रैपसन मेथड का न्यूटन रैपसन मेथड का क्वेश्चन की बात करें तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स फोर माइनस एक्स माइनस टेन एक इक्वेशन है इसका हमको रूट निकालना है नियरेस्ट टू टू नियरेस्ट टू 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 के नियरेस्ट इसमें एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है न्यूटन रैप्शन मेथड न्यूटन रैप्शन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन की हुई है यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख दे रहा हूँ x क्योंकि सिर्फ पहले ही इटरेशन से निकालना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ही यहाँ पे यूज़ करना है आगे के अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं करना है मतलब एक ही स्टेप में जो आंसर आएगा वही आंसर आपको बताना है क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन दो तीन चार पाँच छः अप्रोक्सीमेशन भी यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने जा रहा है तो एक ही अप्रोक्सीमेशन पहले स्टेप में जो आंसर आएगा वो आपसे पूछ रहा है एन की वाली अगर हम जीरो रखें तो हो जाएगा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट ये एक्स वन आपको निकालना है और एक्स नॉट का मतलब हो गया टू तो एक्स वन कितना हो जाएगा एक्स नॉट का मतलब हो गया टू माइनस एफ एक्स नॉट का मतलब एक्स की जगह पर टू रखना है इस फंक्शन एफ एक्स में तो सिक्सटीन माइनस टू माइनस टेन अपॉन एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो एफ डेस एक्स कितना होगा फोर एक्स क्यू माइनस वन और इसमें हम एक्स के जगह पे क्या रखना है टू तो एट थर्टी टू माइनस वन तो टू माइनस फोर्टीन फोटीन माइनस टेन फोर फोर अपॉन थर्टी वन तो ये मैंने कैलकुलेशन पूरी पहले से ऑलरेडी की हुई है तो ये सॉल्व करके आ रहा है वन पॉइंट एट सेवन तो 1.87 इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ही यूज़ करना है अगर आपको सेकेंड अप्रोसीमेशन पूछता तो आप फिर इसका एक स्टेप और बढ़ाते जिसमें एन की वैल्यू वन रखते और एन की वैल्यू वन रखते तो यहाँ एक्स वन आता है एक्स वन आपको ये यूज़ करना होता तो ऐसे करके इसमें स्टेप्स बढ़ते जाते हैं क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही बोला है तो ये आपका आंसर हो जाएगा तो आई होप न्यूमेरिकल एनालिसिस के देखिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ एन ए से लास्ट ईयर जो लास्ट रिसेंटली लेक्चर का पेपर हुआ था तो इनको आप ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करिए